YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल क्या है? तो दोस्तों इसी में सबसे एक अभी महत्वपूर्ण जो काफ़ी कुछ दिन पहले अपडेट में आया है, तो दोस्तों उसी रूल के बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आज वीडियो थोड़ा सा होने वाली है अच्छा और सबके लिए महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा जो क्रिएटर हैं और जो वाचर हैं यानी जो वीडियो देखने वाले और जो वीडियो बनाने वाले दोनों के लिए ये रूल लागू किया गया है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आप कर लेते हो ऐसा तो सबसे पहले जब वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अपडेट में यूट्यूब ने अपने गाइडलाइंस के थ्रू एक रूल को अपडेट किया है। तो उसमें बताया उसने कि जो क्रिएटर हैं जो वीडियो क्रिएट करते हैं अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप उस क्रिएटर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाय हेलो वगैरह जो भी करते हो तो वहाँ पे वो अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक बार छूट दी जाती है, और अगर आप दूसरे बार या बार बार इरिटेट कर रहे हो क्रिएटर को करके, ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट में नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ वैसा ही कर सकते हो जो आप वीडियो से रिलेटेड आप वहाँ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो या आपको जो हेल्प चाहिए वो पूछ सकते हो, और ना वीडियो से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पर्सनल जानकारी ले रहे हो, हाय हेलो बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें होता है कि कमेंट जो सेक्शन है उसमें कमेंट बढ़ने की ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, और YouTube ऐसा सोचता नहीं है क्योंकि जेन्युइन कंटेंट वहाँ पे खोजता है YouTube। आपका कंटेंट भर कमेंट जो बहुत ज़्यादा भर जाएगा आपके कंटेंट पे तो लगेगा कि YouTube का नहीं ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वीडियो। तो दोस्तों यही सब को रोकने के लिए YouTube ने कुछ दिन पहले ही ये रूल लागू किया है। वैसा रूल है इसमें कि तो जो आप अगर क्रिएटर भी हैं तो आपको किसी दूसरे की वीडियो पर जाके आपको अनावश्यक कमेंट नहीं करना है पहला नंबर, और उसमें पर्सनल जानकारी आपको शेयर नहीं करनी है या किसी से पर्सनल जानकारी आप नहीं ले सकते हो। तीसरे नंबर आप किसी वेबसाइट का जो लिंक वगैरह वो नहीं शेयर कर सकते हो किसी के कमेंट में। यहाँ से होता है कि आप कितने लोग होते हैं कि अपने वेबसाइट के लिंक किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर डाल देते हैं, तो ये गलत है। वहाँ से आप यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, वहाँ से उनके नज़र में आ जाओगे, आपको आगे जाकर फ्यूचर में परेशानी में पड़ सकते हो। दोस्तों ये हो गई। और पाँचवा, अगर आप किसी के कमेंट में जाकर आप वैसा लिंक वगैरह कोई शेयर कर दियो जो सेक्सुअल थोड़ा सा है या कुछ और वगैरह जो किसी को हार्मफुल पहुँचा रहा है या इरिटेट कर रहा है किसी को, तो अब आप भी उसमें परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप वैसे कंटेंट क्रिएट करो जहाँ से आप अच्छे से कोई भी बात करे, कोई भी उसके बारे में कमेंट करे उस वीडियो के कमेंट में, कमेंट सेक्शन में, और ऐसा नहीं कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर उससे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में YouTube आपको स्पैम कर देगा और आपके चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है, तो आप और फ्यूचर में आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो थोड़ा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है आपको अगर ज़्यादा किसी को आप इरिटेट कर रहे हो। तो मेन यही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ऐसा गलती नहीं करना कि आगे फ्यूचर में आपको जाके परेशानी हो सके, कानून की नज़र में आ जाओगे। YouTube ने ऐसा कहा कि अगर आप किसी को ज़्यादा परेशान कर रहे हो, हाय हेलो वगैरह कुछ भी करके आप क्रिएटर को परेशान कर रहे हो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपको सोशल मीडिया डिस लीडिंग जिसको कहते हैं, आपको उसके अगेंस्ट आपको कानून पकड़ सकता है, जेल में डाल सकता है या कुछ भी और कुछ कर सकता है। अगर YouTube आपको एक बार सचेत कर देता है तो दोबारा आपको नहीं करना। कितने लोग को ये जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता, तो वो लोग किसी को कमेंट में जाके कुछ भी वैसा बक देते हैं या वीडियो से रिलेटेड नहीं बोलते हैं, तो उसके अनुसार वे कमेंट थोड़ा सा पहले स्पैम हो जाता है, और 24 घंटा या 48 घंटा के आसपास वो आपको देखने को वहाँ कमेंट नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन दोस्तों अगर आप बार बार कर रहे हो तो आपको नोटिस आ सकती है ईमेल पे, आप देख सकते हो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल के अगेंस्ट आपको एक नोटिस आ गई है कि आप अगर ऐसा कर रहे हो किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर, तो
तो वहाँ से आपको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और ये सोशल मीडिया मिसलीडिंग आपको के थ्रू आपको यहाँ कैद भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, आप ऐसा ना करें। आपको अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कमेंट को बढ़ने की चांस हो जाती है और वहाँ से उसकी वीडियो पॉपुलर होने की चांस हो जाती है, कितना भी खराब वीडियो का क्यों ना हो। लेकिन आप कमेंट ज़्यादा करते हो तो वीडियो आपको ऊपर आते रहता है बार बार, उससे वीडियो उसको बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए कमेंट ज़्यादा न करने के लिए बोलता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगने के लिए बोलता है कमेंट सेक्शन में किसी के क्रिएटर का। तो इसलिए आप ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें। ऐसा कीजिएगा तो आपके चैनल को ब्लॉक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, परमानेंटली डिलीट भी किया जा सकता है। इसलिए ऐसा ना करें दोस्तों। यही थी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसा ही जानकारी इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।